हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कुदरत के कैद से आप लोग, आपका फैमिली, आपका बास, आपका सेटअप सब ठीक ठाक से होंगे। और जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है फ्रेंड, हमको उसको ओवरकम करना है, यही बात है। तो कुदरत का कहर हम सब पे गिरा था, जिसे मुकाबला करना फ्रेंड्स हमारा बस का बात नहीं था, ठीक है। तो फिर भी फ्रेंड्स मुकाबला तो करना पड़ता है हम लोगों को, हम लोग को अपना को, अपना फैमिली को, अपना बार्स को बचाना पड़ता है। बचाने के लिए हम लोग ने पूरा कोशिश किए हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स उस तूफान का, वही मैं शेयर करूंगा कि सेटअप का क्या हुआ था, व कैसे मैंने मुकाबला किया हूं, वही आपके साथ शेयर करूंगा आज। चार या साढ़े चार बजे से तूफान स्टार्ट हुआ, बारिश तो पहले से हो रहा था। तो चार साढ़े चार बजे मैंने देखा पूरा अंधेरा हो गया, फिर सेटअप पे पूरा अंधेरा हो गया, एक भी बार्स खा नहीं पा रहा था। चार साढ़े चार बजे के बाद कोई भी बार्स खा नहीं पा रहा था, और पावर तो कट था, फिर पावर नहीं था। तो एक ही इमरजेंसी था, लेकिन इस नाने का जान को उतना पॉसिबल नहीं था पूरा कवर करना, पूरा रोशनी करना। तो इससे ज़्यादा के टुक टक देख रहा था, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया था, फिर बार्स खा नहीं पा रहा था। धीरे क्या हुआ, तूफान बढ़ने लगा फिर, और अंधेरा भी बढ़ने लगा। लेकिन मैं सोचा अभी थम जाएगा, अभी रुक जाएगा, पावर आ जाएगा, ये सोचते सोचते छः बज गया। जब छः बज गया तब मैंने देखा ये फेंस ये तो रुकेगा नहीं, और ये जो इसका पावर है ये पूरा सब कुछ ख़त्म कर देगा फेंस। तब मैंने सोचा पहले मुझे लाइट का, इमरजेंसी लाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बार्स चार बजे से बाद से खा नहीं पाएगा, सारा रात, सारा दिन, सारा शाम या सारा रात नहीं खा पाएगा, तो एक भी चिक्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि काफ़ी सारा चिक्स है, छोटा छोटा चिक्स भी है, दो तीन दिन हुआ है, बॉर्न हुआ है, ऐसा चिक्स भी था। तो अगर उनको सारा दिन सारा रात खाना नहीं मिलेगा, और अगले दिन सुबह भी क्या होगा मुझे पता नहीं था, अंधेरा होगा, पावर आएगा कि नहीं, इसे कुछ पता नहीं था। एजम्पशन कर लिया था फ्रेंड्स, एक एक करके मेरा बार्स एक्सपायर कर जाएगा, सारा चिक्स एक्सपायर कर जाएगा, ये क्या कर, दिमाग काम करना बंद कर दिया फिर। तूफान जितना तेज़ होता गया फिर उतना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तब मैंने क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आया था। पहले तो खिड़की दरवाज़ा, ये जो स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग को मैंने बंद कर दिया था, खिड़की मैंने बंद कर दिया था, लेकिन एक खिड़की को मैं बंद नहीं कर पाया था। तो ये दो कांच पूरा टूट गया फिर। तो खोल रहा है, बंद कर रहा है, ऐसा हो रहा था। ये पूरा कोई भी गार्ड नहीं दे रहा था, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था तब। और ये जो पानी, ये दो बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ था, ये पूरा एकदम गया, एक फ्लोर पे पूरा पानी पानी हो गया। पीछे से मैं दो बार गया, दो बार जाकर उसको बंद करने का कोशिश किया, लेकिन तूफान इतना तेज था मुझे दो बार ही गिरा दिया। फिर पूरा भीग गया, फिर अंदर आया, और यहाँ से फेंस पूरा हवा, वो तेज़ हवा पूरा अंदर आ रहा था फिर। और मैं देख रहा था कि मेरा बार्स सेटअप ख़त्म होने वाला है, एक एक करके सब बार्स ख़त्म होने वाला है, सब एक्सपायर करने वाला है। तो मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, कोई भी नहीं था, किसी को मिलना भी मुश्किल था, कोई हेल्पिंग हैंड को, क्योंकि सभी अपना जान बचाने में बिजी था, बस सभी अपना जान बचाने की कोशिश कर रहा था। किसको बुलाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीन चार मोमबत्ती था, मोमबत्ती का जलाने का कोशिश किया, एक टूल के ऊपर मोमबत्ती जलाया, जला के मैं फ्रेंड्स वो तूफान में मैं गया, अगर किसी इमरजेंसी लाइट का बंदोबस्त कर सकूँ तो मैं गया। 10-15 मिनट में मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं जा नहीं पाया। कुछ देर जाने के बाद मैं देखा इतना पेड़ गिर रहा है, इतना कुछ हो रहा है, मैं डर गया फिर। वो कुदरत का जो कहर था उससे मैं डर गया, मैं वापस आ गया। वापस आके देख रहा हूँ वो 10-15 मिनट में एक टूल पूरा, देखिए मोमबत्ती पूरा गल के एक टूल को पूरा पिघला दिया। ये सब देख के मेरा दिमाग काम करना और बंद कर दिया। तो क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा, कि इस खिड़की का हवा को मैं रोक नहीं पा रहा था। कैसे एक खिड़की से तेज हवा पूरा एकदम सेटअप पे आ रहा था, और हर एक बार्स को इफेक्ट कर रहा था। बार्स एकदम चुपचाप गुमसुम से बैठा रहा था। क्या करूँ फिर, इतना मेहनत से, 3 साल से इतना मेहनत, इतना लगन से जिस सेटअप को फिर छोटा छोटा करके मैंने बिल्डअप किया हूँ, वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये सोच मेरा दिमाग पे आ गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तब मुझे फिर बचपन का एक कहानी याद आ गया।
बचपन में किताब में मैंने कहानी पढ़ा था, शायद आप लोगों को भी शायद वो कहानी जानते होंगे। एक गाँव में फ्रेंड्स एक पानी रोकने के लिए बांध होता है, तो बांध था। तो एक दिन ऐसे ही बारिश हो रहा था और एक लड़का 13-14 ईयर्स का एक लड़का पढ़ के वापस आ रहा था, तो वो देखा वो जो बांध था वो बांध का एक जगह पे होल हो गया और वो होल से पानी अंदर आ रहा है, मतलब गाँव में आ रहा है। तो उसका दिमाग पे यह आ गया कि ये होल अभी धीरे धीरे बड़ा होगा और एक टाइम ये जो पूरा बांध है ये टूट जाएगा, पूरा पानी गांव में आ जाएगा और पूरा गांव को तबाह कर देगा। अगर वो भाग के गांव में जाके किसी को बुलाने जाएगा तब तक काफ़ी देर हो जाएगा। तब उसका ये सोच आया कि जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तो अपना ये मुट्ठी को उस होल पर दे दिया। उस होल में देखे चुपचाप बैठा रहा, जब तक तूफान चला बारिश हुआ पूरा वो उधर ऐसे मुट्ठी होल पे देके बैठा रहा। फिर जब सुबह हुआ उस लड़का का मम्मी पापा सब ढूंढने लगा, या मेरा लड़का, तब आके देखा जे वो ऐसा होल पे अपना मुट्ठी देके बाघ का रोक दिया। तब सबको समझ में आया कि आज इसके वजह से सारा गांव बच गया। कहानी मुझे याद आ गया, मैंने भी क्या किया, मैं अंदर में जाके एक पर्दा गिराया और इधर से चादर दिया और ऊपर जाके ऐसे बैठ गया, इसको ऐसे उठाया और एक मोटा चादर इसका ऊपर दिया, धीरे धीरे इसका ऊपर ऐसे पूरा साट के बैठ के ऐसे उसका माता ऐसे नीचे करके बैठा था। तब देखा हवा रुक गया, फिर हवा का वो जो तेज धोखा था वो मेरा पे इफेक्ट कर रहा था, मुझे धक्का मार रहा था लेकिन अंदर नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत आ रहा था वो ठीक था लेकिन वो तेज़ हवा अंदर नहीं आ पा रहा था। और मैं भी अपना पूरा ताकत लगा के वो चादर वो कपड़ा से पूरा एक घंटा डेढ़ घंटा बैठा रहा था, पूरा भीग गया और वो तेज़ हवा का धक्का से धीरे धीरे मैं कमज़ोर होने लगा, मुझे थोड़ा नींद आने लगा, बस थोड़ा बेहोशी का ऐसा एहसास हुआ जी मैं अभी बेहोश हो जाऊँगा, अभी कुछ हो जाएगा। फिर दिमाग में आया जी मेरा इतना सारा जान है, मेरा जिम्मेवारी है, मेरा सेटअप, मेरा बास, अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मैं अगर गिर जाऊँगा तो मेरा सारा बास ख़त्म हो जाएगा। यही सोच मुझे पावर दिया, ताकत दिया फिर से। तो फिर मैं अपना पूरा ताकत लगा के बैठा था। फिर दो ढाई घंटे का बाद जब पानी रुक गया, फिर हवा का झोंका कम हो गया, तब थोड़ा मैं बेहोश बोलिए बात थोड़ा नींद ऐसा मेरा एक फीलिंग्स आया था क्योंकि पूरा भीग गया था तो ऐसे काँप रहा था। फिर तो थोड़ा जब मेरा आँख खुला तब देखा तूफान रुक गया है, बारिश भी रुक गया है। तो क्या कहूँ फ्रेंड्स, मतलब तब धीरे धीरे मैं उधर से उतरा के देखा कि अभी मुझे लाइट का बंदोबस्त करना है। तब मैं बाहर गया, पास में इलेक्ट्रिक का दुकान था, मैंने उसको बोला तुम दुकान खोलो मुझे दो इमरजेंसी लाइट लेना। बोला भाई आप तो नहीं खुलेगा ये, मैंने बोला तुम अभी दुकान खोलो नहीं तो मैं दुकान तोड़ के ले जाऊँगा, अगर तुम अच्छी तरह से नहीं दोगे तो मैं दुकान तोड़ के ले जाऊँगा। तो बोला भैया अरे ऐसा आप कैसे क्या बोल रहे हैं, आप कैसे नहीं है वैसे तो क्यों कर रहे हो। ये बोला ऐसा ही मेरा हाल है, ऐसा ऐसा बात है, अभी मैं इमरजेंसी लाइट नहीं लेके जाऊँगा तो वो बेजुबान जान मर जाएगा, तो इसलिए मुझे लाइट चाहिए, तुम खुलो खुल के लाइट मुझे दो, जो भी तुम्हारा परेशानी हो होने दो लेकिन मुझे लाइट चाहिए। तो वो मुझे दो लाइट दिया, ठीक है। मैं बोला अभी तो वो बोला सर अभी तो चार्ज नहीं है। मैं बोला कितना देर तक बैकअप देगा, बोला एक दो घंटे तक तो बैकअप देगा। मैं बोला काफ़ी है, तो मैं फिर इमरजेंसी लाइट को लेके आया। इमरजेंसी लाइट लगाया, बात आया, खाया, फिर अलग से मैंने उसको सीख दिया, सीख खाया, पानी सब निकाला, जो काम था काम किया। उसके बाद खाने भूख तो नहीं था और खाने जाने के लिए घर जाने के लिए हालत भी ऐसा नहीं था कोई, तो बाहर में नहीं गया। तब 10-11 ऐसे कुछ बज रहा था, मैं आके सो गया। तो सुबह उठ के थोड़ा साफ सफाई किया। तो एक बात बोलूँगा फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देखिए, मैं भी इस चीज़ को ध्यान दिया, इतना बार में भीगा, पूरा तूफान के साथ में सामने खड़ा हो गया, पूरा तूफान मेरा ऊपर आया लेकिन मुझे एक छींक तक नहीं आया, बीमारी तो दूर की बात है, एक छींक तक नहीं आया फिर। इसे ही बोलते हैं प्यार, आप लोग जो बोलते हैं ना भगवान तुम्हारा अच्छा करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ये दुआ ही है प्यार और कुछ नहीं।
दुआ में काफ़ी शक्ति होता है। वो शक्ति बोलिए, ये लोग का प्यार बोलिए, मुझे कुछ होने नहीं दिया, अरे ठीक तक नहीं आया। फिर उसके बाद सब ठीक ठाक है, एक भी बात एक्सप्लेन नहीं किया, एक भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी सारा बार्ड से जिसको मैं शिफ्ट करूंगा। फिर से 50-60 चिक्स हो गया है सेल, उनको मैं शिफ्ट करूंगा। कुनू का प्रोग्रेस दिखाऊंगा, लाभबर्ड का प्रोग्रेस दिखाऊंगा, जिनका चिक्स सेल हो गया है सेपरेट करूंगा, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। आज सिर्फ आपके साथ यही शेयर करना था। फिर तो काफ़ी भयानक रात दिया, फिर काफ़ी भयानक एक्सपीरियंस दिया। अभी भी सोचता हूँ वो रात के बारे में तो फिर डर जाता हूँ, क्या रात गया। फिर आप लोग को भी पता है, आप लोग को भी साथ हुआ है, तो मेरा तो यही साथ, मेरा यही एक्सपीरियंस था, वही शेयर करना था आपके साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एक गुड न्यूज़ है, यूट्यूब चैनल से फर्स्ट इनकम मिला है। यस फ्रेंड्स, आप सभी ने एक आम लड़का को यूट्यूबर बना दिया, ठीक है, अभी फेमस बना दिया आप लोगों ने मुझे। हाँ, तो ये एक बड़ा डेजिग्नेशन अभी मेरा मुझे मिल गया है यूट्यूब से, अभी फर्स्ट इनकम आ गया है। तो ये सबको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो यही ख़त्म करते, मिलते हैं और सारा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सर हो रोमो सर चिक्स को मैंने इधर से बैठ गया हूँ, तो ठीक कभी अच्छा आया था मैं आपको दिखाया था। अभी दो चिक्स आ